गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर सेकंड है उसमें इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन एंड योगा एंड साइंस एंड मेडिटेशन का जो पेपर है उसके बारे में भी जानकारी देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस पेपर में जो आपको पता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ये ऑप्शन वाले आते हैं, इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं होता है और आपको जो चार विकल्प होते हैं उसमें से एक विकल्प छाट कर आपको ओमन शीट में डालना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारी गलती कर देते हैं और वो जो पेपर है बिल्कुल नया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब्जेक्ट जोड़ा गया है, पहले जो पेपर नहीं था। इस कारण बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कैसे क्या करना होता है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके जो IMP क्वेश्चन है क्योंकि कॉलेज के एग्जाम में इतने क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जिस पेपर में जो भी क्वेश्चन है आप पूरी तरह से कर सकते हैं क्योंकि आपके जो 50% में आपका मतलब कम्प्लीट ही से हो जाएगा, बाकी आप अपने जो भी बुक है उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेपर दिख रहा है वो है बीए फर्स्ट एग्जाम 2023 का जो पेपर है ये प्रीवियस पेपर है जिसमें आप रेगुलर प्राइवेट दोनों बच्चे दे सकते हैं। ये फाउंडेशन पेपर है, पेपर सेकंड इसमें आपको जो फर्स्ट भाग रहेगा वो रहेगा इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन एंड जो सेकंड भाग रहेगा आपका रहेगा योगा साइंस एंड मेडिटेशन जिसमें आपको जो क्वेश्चन रहेंगे जो इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन के आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आपका जो योगा एंड मेडिटेशन के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका जो पेपर रहेगा मार्क्स वो रहेगा 100 मार्क्स का। अब इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 100 मार्क्स का पेपर था यानी मतलब 32 से 33 नंबर लाने में पास हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है। आपको हर जैसे जो इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन है इसके अंदर आपको लाना होगा कम से कम 17 मार्क्स और उसके बाद आपको जो योगा मेडिटेशन इसके अंदर भी आपको कम से कम 17 मार्क्स लाना जरूरी है तभी आप इसमें पास हो गए। यदि आप मान लो इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में आप जाते हो 30 नंबर लेकिन आप योगा साइंस में आप ला सकते लाए थे 15 नंबर तो आप भी इसको छप जा सकती है, इसलिए आपको दोनों में बराबर नंबर लाना होगा। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग है 2 घंटे का होता है जिसमें कुछ इंडक्शन भी दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट इंडक्शन है उसमें कहा प्रश्न पत्र 2 में भेजित किए हैं भाग ए भाग बी प्रत्येक के लिए 1 घंटे का समय 50 अंक निर्धारित है। मैंने जैसे शुरू में बता दिया है कि जो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका रहेगा इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन और सेकंड पेपर जो रहेगा आपका वो रहेगा योगा एंड मेडिटेशन। उसका जो सेकंड नंबर क्रमांक आप अपना क्रमांक उत्तर पत्र ओमार पर पेन से निर्धारित स्टैंड पर लिखे यानी आपको जो इंसर्ट सीट दी जाएगी वो ओमार सीट रहेगी, इसके अंदर वाले बस ऑप्शन रहेंगे उस पर आपको अपनी जो पेन है उससे गोला भरना होगा। इसमें बताऊंगा गोला कैसे क्या भरते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी उनको गोला भरना नहीं आता जिस कारण उनका जो क्वेश्चन है वो रिजेक्ट कर दिया था जिस कारण वो फेल हो सकते हैं। ये 3rd नंबर का ऑप्शन है उसमें रहेगा है प्राप्त उत्तर पत्रिका को ना तोड़े मोड़े ना विकृत करें यानी आप जो ओमार सीट दे जाएगी उसे ना जो तोड़े ना फाड़े यानी उसे जैसे फट भी जाएगी तो फिर वो काउंट नहीं होगी और उसके कारण आपको सफरी दी जाएगी। और जो 4th नंबर रहेगा वो रहेगा प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे, इसे मैं इसलिए बता दिया कि आपको जो सही विकल्प दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 विकल्प रहेंगे जो आपको एक सही विकल्प आपको ओमार सीट में भरना होगा। अब जैसे 5 नंबर देख सकते हैं कि ओमार सीट को कैसे क्या भरना है, जैसे 5 नंबर देख सकते हैं जो सही नंबर का जो 4th नंबर का डब्बा है बिल्कुल सही है आपको मतलब आपको जो ऑप्शन रहेगा उसको बिल्कुल ब्लू और ब्लैक पेन कोई सी पेन से बिल्कुल डार्क भरना है। यदि आप ऐसे भरते तो रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसे भी रिजेक्ट कर दिया गया और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, आपको बिल्कुल सही बस एकदम डार्क पेन को भरना है। उसके बाद आपका जो 6th पॉइंट है परीक्षा के उपरांत दिया तो आप पढ़ ही लेना कोई दिक्कत नहीं है। उसका चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें से आने के 90% चांस है कि इसके अंदर से आएंगे क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रहेगा सृष्टि संबंधित तत्व को आप किस पर्यावरण में समृद्ध करेंगे। सेकंड का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है जिसमें आपका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका पर्यावरण पर अधिकार है समस्त जीवों का। इसके बाद आप जो 4th नंबर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन एक ऐसे विषय जिसकी सीमा अनेक फ्लिंग डेविन्स को स्पष्ट करती है जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखे दशाओ जीवन VCU इनमें से कोई नहीं जिसमें से आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा VCU। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन इसमें स्वर्ग दिख नहीं रहा है पेट्रोल पंप भूमि ऊर्जा जल शक्ति जिसमें आपका रहेगा भूमि। 20वें खाद्य समस्या का मूल कारण है जनसंख्या ऊर्जा संकट का समाधान है
विकल्प की ऊर्जा स्रोत विश्व खाद्य दिवस होता है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप इस हफ्ते इसके शोर्ट लेके वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है बायोगैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है, उसके बाद अगर भारत में भूकलन की घटना किस राज्य में होती है, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा हुआ है, झूमिंग किसका प्रकार है, उसके बाद ये देख सकते हैं भू रक्षण या मृदा आपदान संबंधित है, गढ़ा नागर बांध किस राज्य में है, समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है सौर यानी कि जो आपकी सनलाइट, उसके बाद गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, सावना घास के मैदान पाए जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, मानव पर्यावरण पर 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित हुआ था, इसके अंदर अनुक्रमांक के माध्यम से क्रमांक नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप अपने हिसाब से वीडियो को रोक के देख सकते हैं या मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा जिसमें आप वहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमें चैनल पर आती रहती है, आप अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसके बाद आप वहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।